नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड ग्रुप एडिटर इन चीफ मेडटॉक्स। मेरे साथ में सुषमा है और साथ में दीपिका है। सुषमा जी को जीवीपन से इलाज करा रही हैं, इनको एंजाइना है, ट्रिपल वेसल डिसीज है। तो आज का मेरा जो सवाल है वो ये है कि मिडिल क्लास और पुअर आदमी कहाँ जाए अगर उसको हार्ट का इंटरवेंशन कराना है। तो आइए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं इसके लिए। दीपिका जी, घर में कौन कौन है आपके? मैं और मेरा ब्रदर है। आप और आपके ब्रदर हैं। आपके पिताजी को क्या हुआ था? उनको वो जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस हो गया था। कब हुआ था ये? 94 में। कितना कमाते हैं आप लोग? सिर्फ मैं ही जॉब करती हूँ। कितना कमाते हो? 7000 पर मंथ। हाँ जी। कितना हुआ साल का? हाँ जी, साल का कितना हुआ? ईयरली कितना हुआ? यस, ज्यादा नहीं पड़ता, मुझे तो 14-14 हुआ। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? गांधीनगर, दिल्ली में। कितने साल से रह रहे हैं? 29 years से हैं। आपका जो आधार कार्ड है वो कहाँ का है? गांधीनगर, दिल्ली का है। तो क्या आपको पता है कि आप EWS में आते हैं? EWS कैटेगरी होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी जो 3 साल से ज्यादा दिल्ली में रहते हैं और उनकी फैमिली इनकम अगर 3 लाख से कम है और वो SDM सर्टिफाई कर दे तो दिल्ली सरकार से आपका सारा इलाज फ्री है। आपको पता है कि नहीं? तो फिर आपने उसमें अप्लाई क्यों नहीं किया? आप जब दिल्ली सरकार में जीवी पंथ के अंदर में जब आपका EWS कैटेगरी में आप आते हैं, उसके लिए 2 क्राइटेरिया है। आपकी तनख्वाह 3 लाख से कम होनी चाहिए सैलाना, और आपका जो 3 साल से ज्यादा का डोमिसाइल होना चाहिए दिल्ली का। तो आपका सारा इलाज प्राइवेट अस्पताल के अंदर में सरकार के माध्यम से फ्री होता है। दिल्ली में सारे अस्पताल जिनमें बाईपास होते हैं उनके पास में 10% लोगों का इलाज उनको फ्री करना होता है। तो आप उसमें अप्लाई करिए, हम आपको असिस्ट करेंगे, और अगर आपको दिक्कत आएगी हमारी लीगल टीम आपको असिस्ट करेगी। तो आप अपने राइट्स के लिए लड़िए, हम आपके साथ में। थैंक यू।